डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ से देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर्स, दिस इज शो 1973 एंड 2013-14। यू कैन सी द टोटल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पिछले 40 वर्षों का जो ग्राफ है तो कैसे हमारी जीडीपी काम कर रही है। देखिए, जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, तो हमने देखा कि 1973-74 में जो हमारी जीडीपी बन रही है वो कितनी की जीडीपी, टोटल जीडीपी बनी 50,000 करोड़, यानी 50,000 करोड़ की हमारी जीडीपी बनी, जिसमें हमारे पास तीन पार्ट है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि हमारा नेचुरल सेक्टर या एजुकेशन सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर बोल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है ना, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर के मामले में एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर थोड़ा इंक्रीज है। लेकिन 2013-14 में क्या है कि 2013-14 में जो हमारी प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी है वह 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में मर्ज कर रही है, और जो हमारी सेकेंडरी जीडीपी है वो हमारा क्या है कि 1 लाख करोड़ से, ठीक है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के ऊपर तक गिव अप कर रहा है। लेकिन जो टर्शरी सेक्टर की डीजीडीपी है वो 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 60 लाख करोड़ तक की इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम इस ग्राफ के माध्यम से ये जान सकते हैं, वी नो दैट कि टर्शरी सेक्टर इज बेस्ट सेक्टर इन आवर इंडियन जीडीपी। ठीक है, तो अब देखिए इस जीडीपी के माध्यम से आपको लेटेस्ट वर्क दीज आउट क्वेश्चंस क्या बताने हैं कि विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74, यानी कि 1973 और 74 में जो हमारी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कहाँ पे हो रही है, प्राइमरी में हो रहा है कि सेकेंडरी में हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन आपका विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14, और 13-14 में कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। कैन यू सी विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, यानी कि इन 40 सालों में। ठीक है, इन 40 सालों में जो हमारा सेक्टर है, इंडियन सेक्टर है, इसमें कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, और व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14, और 2013-14 की हमारी जीडीपी क्या है। तो आप देख सकते हैं 2013-14 की हमारी जीडीपी क्या है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से 60 लाख करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कल भेजने हैं। अब हम बात करते हैं राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन की। ठीक है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन कैसे बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन कैसे बढ़ता गया, या इसका महत्व क्या है। देखिए, ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 एंड 2013-14, यानी 1973-74 से 2013 और 14, ठीक है, 1973-74 से 2013-14, यानी कि इन 40 सालों के बीच में वाइल प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज, यानी कि तीनों सेक्टर में हमारा उत्पादन जो है वो इंक्रीज हुआ। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर, लेकिन मेन रूप से किसमें ज्यादा मोस्ट हुआ, टर्शरी सेक्टर में हमारा उत्पादन ज्यादा हुआ। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हमने क्या देखा, इन द ईयर 2013-14, 2013-14 में जो टर्शरी सेक्टर है उसकी इंक्रीजिंग ज्यादा हुई। द टर्शरी सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को पीछे करते हुए, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को पीछे करते हुए हमारा जो टर्शरी सेक्टर है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बना। अब देखिए इसके पास कारण क्या है, देखिए, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्यों बना, टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को पीछे क्यों छोड़ा। देखिए फर्स्ट में क्या है, इन एनी कंट्रीज सेवरल सर्विसेज, ठीक है, अब किसी भी देश की हम सेवाओं की बात करते हैं, जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल की सेवाएं हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस हो गया, एजुकेशनल सर्विस, इंस्टीट्यूशन सर्विस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स,